पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्प्रिंगफील्ड सेक्टर 10 नया मुरादाबाद में दो दिवसीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्प्रिंगफील्ड के प्रबंधक विपिन जेटली ने किया एवं मुख्य अतिथि का स्वागत जिला शतरंज एसोसिएशन के सचिव प्रमोद बिष्ट ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। तत्पश्चात स्प्रिंगफील्ड के विद्यार्थियों ने माँ सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि एवं बाहर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शतरंज के खेल को दिमाग की बहुत अच्छी कसरत बताते हुए अपनी शुभकामना दी एवं भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों का और ऊंचे स्तर पर आयोजित करने की अपनी मंशा जाहिर की। यह प्रतियोगिता बालक वर्ग में 11 वर्ष से कम, 13 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम एवं 17 वर्ष से कम और बालिका वर्ग में 13 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम दो वर्गों में आयोजित की गई। महिला एवं पुरुष में ओपन वर्ग में भी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इस अवसर पर प्रमोद बिष्ट, वीरेंद्र, मनजीत सिंह, नितिन चतुर्वेदी, धर्मेंद्र कौशिक, कुमारी दिव्या त्यागी, रुचि भटनागर एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आज ये स्प्रिंगफील्ड कॉलेज नया मुरादाबाद में हमारी डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप हो रही है, जिला शतरंज प्रतियोगिता, और इसमें सभी वर्ग में भाग ले रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी। जो ओपन प्रतियोगिता है इसमें हमने अंडर 11, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 चार तो ग्रुप एज ग्रुप रखे हैं और एक ओपन वर्ग है जिसमें कि कोई किसी भी उम्र का खिलाड़ी भाग ले सकता है। और इसका उद्देश्य हमारे यह है बच्चों में एक तो खेल के प्रति रुझान बढ़े और दूसरा चेस क्योंकि एक दिमाग का खेल है तो इसको खेलने से दिमाग भी शार्प होता है और बच्चे अपने पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। जी भविष्य में हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पर हम एक ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई ग्रैंड मास्टर को बुलाएं यहाँ पर और उनसे यहाँ पर हम उनके एक बच्चों के साथ एक ब्लिट्स गेम या रैपिड गेम कराएंगे और वो थोड़ा उनको ट्रेन करेंगे कुछ टिप्स।